चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आज की क्लास में आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोगों के बीच में एक नई श्रृंखला कला एवं संस्कृति की आज की क्लास से प्रारंभ हो रही है, और हम सभी लोग कला एवं संस्कृति में सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? मूर्ति कला का अध्ययन करेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि जो भी टॉपिक यहाँ पे अब आप सभी लोगों के बीच में प्रारंभ किया जा रहा है, वो निरंतर आप सभी लोगों के बीच में चलेगा, और इसी चैनल के माध्यम से इसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट भी किया जाएगा। तो इस क्लास को इस परिपेक्ष में आप सभी लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो कला एवं संस्कृति की बात आती है, और कला एवं संस्कृति के सभी जो टॉपिक हैं उनकी बात आती है, यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में भी है और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है, ठीक। और पीसीएस जो है, यूपी पीसीएस, उसके भी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में है और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मुख्यतया कला एवं संस्कृति का, अगर देखा जाए तो मुख्यतया तीन है। एक आपका मूर्ति कला का है, और एक आपका चित्रकला का है, और एक वास्तुकला या स्थापत्य कला का है, और कला के अन्य रूपों का भी यहाँ पे मामला आता है, जैसे साहित्यिक कला का आता है, जैसे त्योहारों का मामला आता है, मेलों का मामला आता है, उत्सव का मामला आता है, महोत्सव का मामला आता है, लोक नृत्य का मामला आता है। ये सब भी हम सभी लोग कला एवं संस्कृति के तहत ही पढ़ते हैं। और कला एवं संस्कृति का सबसे मुख्य टॉपिक आप सभी लोगों के सामने है, और कला एवं संस्कृति में हम सभी लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं आज की क्लास से? मूर्ति कला को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मूर्ति कला को हम लोग पढ़ेंगे, यानी इमेज स्टाइल को हम लोग पढ़ेंगे। तो तैयार हैं? मिस्टर प्रदीप दिखाई पड़ रहे हैं, मनीष गोयल हैं, आरती हैं, और भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे आज की क्लास में आ रहे हैं। नारायण वर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। कौन दिखाई पड़ रहे हैं? नारायण वर्मा भी आज की क्लास में दिखाई पड़े हैं। चंद्रकेश, नाम बहुत अच्छा है आपका भी, तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का आज की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। क्लास को जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी क्लास है, अपने घर की क्लास है, और यह आपका चैनल है। तो किसका अध्ययन आज की क्लास से हम लोग करेंगे? मूर्ति कला का अध्ययन करेंगे। एक बात और मैं याद दिला दूं कि कल जो आप सभी लोगों के बीच में चोल साम्राज्य का इतिहास प्रारंभ हुआ था, तो उसको हम लोग फिर पुनः कल पढ़ेंगे, और आज ये कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक प्रारंभ हुआ है इसको परसों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो एक ही दिन के अंतराल पर यह जो दोनों टॉपिक आप सभी लोगों के बीच में शुरू हुए हैं, यह हम इसको पढ़ेंगे। एक बात आपको और ध्यान देना है कि अगर वास्तव में क्लास में आप सभी लोग खो जाते हैं, तो इससे आप सभी लोगों को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है कि पूछो मत। खो जाने का मतलब डूब जाना है। डूब जाने का मतलब अध्ययन में डूब जाना है। किसमें डूब जाना है? अध्ययन में डूब जाना है, क्योंकि यह मान के ही आप लोग चलिए कि इसके इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, और ना ही इससे ज्यादा समझना भी है। इतना ही समझ लीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए, यह आपके लिए क्या होगा, निश्चित रूप से उपयोगी होगा। तो किसका इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? भारतीय मूर्ति कला का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं। कला एवं संस्कृति का प्रमुख टॉपिक है इंडियन इमेज स्टाइल का, यानी भारतीय मूर्ति कला का। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अब ये जो कला एवं संस्कृति का आप सभी लोगों के बीच में जो टॉपिक है, देखो इसको क्या कर सकते हैं, हम पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा बात नहीं, हम पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ा लेते हैं, ऐसा मत समझिएगा आप सभी लोग, है ना। बहुत सारा हमारे पास में पीडीएफ है, लेकिन आप सभी लोगों को उतना क्या है, मजा नहीं आएगा, उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बिना पीडीएफ के पढ़ने का जो मजा है, वो वास्तव में क्या करता है, वह वास्तव में ऐसा लगता है कि हम यूपीएससी का अध्ययन करते हैं, वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि हम अध्ययन की गहराई में डूबते हैं। क्योंकि जैसे पीडीएफ का पेज जब आपके सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं जो आकर्षण होता है वो विकर्षण में बदल जाता है। एक बार में ही पेज ओपन हो गया, है ना, और जब ओपन हो गया तो ऐसा लगा कि बस यही मामला है। अब जैसे एक शब्द कोई लिखता है, समझाता है, तो दूसरा शब्द कौन सा आएगा, तो व्यक्ति और जो स्टूडेंट होता है वो जागृत अवस्था में होता है, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, उसे उसे प्राप्त करने की आकांक्षा होती है।
तो ये क्या है, ये एक खास बात है। तो काफी लोग दिखाई पड़ रहे हैं क्लास में, सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग किसकी शुरुआत करते हैं, मूर्ति कला की शुरुआत करते हैं, भारतीय मूर्ति कला की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, भारतीय मूर्ति कला, भारतीय मूर्ति कला, मूर्ति कला का इतिहास, भारतीय मूर्ति कला का इतिहास हम सभी लोगों को क्या करना है, आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक, क्या करना है आज की क्लास में, इसी का अध्ययन हम लोगों को करना है। हाँ, भोजन वगैरह के लिए परेशान मत होइएगा, भोजन वगैरह का आर्डर हमने दे दिया है, बन रहा है, यहीं पर परोसा जाएगा, तो चिंता मत कीजिएगा, है ना। क्या करना है, भोजन वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना है, एक घंटे से थोड़ा ज्यादा की क्लास होगी, उसके बाद भोजन जाइएगा, बनाइएगा आराम से और तुरंत खाइएगा, है ना, गर्मा गर्म। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इस क्लास को कंठस्थ करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मूर्ति कला की बात आती है, तो मैं आप लोगों में एक जिज्ञासा की आदत डालना चाहता हूं कि जैसे अब आप थोड़ा सा सोचिए, किसके बारे में सोचिए, मूर्ति के बारे में सोचिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में भी हो सकता है कोई मंदिर हो, या आपके घर में हो सकता है कहीं गुरुद्वारा हो, या हो सकता है कि आपके घर के आसपास में कहीं गिरजाघर हो, या अन्य पूजा घर हो जो बुद्धिज्म से संबंधित हो, या जैनिज्म से संबंधित हो, या अन्य धर्मों से संबंधित हो, तो उसका जो आंतरिक भाग होता है, उस आंतरिक भाग में निश्चित रूप से एक मूर्ति होगी, है ना। हो सकता है वो हनुमान जी की मूर्ति हो सकता है वो दुर्गा देवी की मूर्ति हो सकता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वह मूर्ति हो सकता है किसी महापुरुष की वो मूर्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ये है, आप लोगों ने समझा कि मूर्ति के बारे में एक आप लोग कल्पना कर, हाँ सर सही तो कह रहे हैं, जो मूर्ति होगी तो निश्चित रूप से उसमें हाथ भी होंगे, उसमें पैर भी होंगे, उसमें स्टमक भी होगा, उसकी हेयर स्टाइल भी होगी, अगर पुरुष की बात हो रही है उसमें मूंछें भी होगी, है ना। हो सकता है कि उसको अच्छे अच्छे सूट बूट भी पहनाए गए हों, अगर स्त्री होगी तो निश्चित रूप से उसकी हेयर स्टाइल होगी, वो हाथों में चूड़ी पहनी होगी, कंगन पहनी होगी, अगर स्त्री होगी वो नृत्यरत अवस्था में होगी तो निश्चित रूप से नृत्यरत अवस्था वाली स्टाइल में होगी। हो सकता है कि किसी की इमेज आप लोग देख रहे हो वह शरीर के आधे भाग की इमेज हो, तो आधे भाग की इमेज में आधा वस्त्र व्यक्ति धारण किया होगा, और हो सकता है कि हेयर हो सकता है कि हेयर ना भी हो। तो ये हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या है, मूर्तियां। एक बात तो ये आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए, और दूसरी बात यह सोचना शुरू कर दिए कि मान लीजिए जो वो मूर्ति होगी वो किसी ना किसी धातु की बनी होगी। हो सकता है कि आप लोग अपने घर में कई बार मिट्टी की मूर्तियां बना देते हैं, जैसे दीपावली के पर्व के अवसर पर ग्रामीण अंचल में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी का छोटा छोटा घर बनाते हैं और मिट्टी की मूर्ति बना के उसको रंगों से रंग के उसमें क्या करते हैं, सजाते हैं, और उसमें दीपोत्सव का जो दीपावली का पर्व है उसको मनाते हैं। तो हो सकता है कि वो मिट्टी की बनी हो, यानी मृण धातु की बनी हो, मृण का मतलब होता ही मिट्टी है। हो सकता है कि वो मूर्ति किसकी बनी हो, पत्थर की बनी हो, हो सकता है कि किसी बहुमूल्य धातु की बनी हो, यानी कांसे की बनी हो, यानी तांबे की बनी हो, यानी पीतल की बनी हो सकता है उस मूर्ति में सोना भी लगा हो, या उस मूर्ति के आसपास का जो चौखट वाला मामला है उसमें सोना लगा हो सकता है उसमें चांदी लगी हो। जैसे अभी मथुरा में ही चले जाइए तो बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, उसमें जो मूर्ति आपको मिलेगी, अधिकतर मूर्तियां किसकी बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है, यानी चांदी उसमें लगी है, हो सकता है चौखट के आसपास में चांदी लगी हो। तो इसका मतलब यह भी है। एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे याद कीजिए आप सभी लोग कि मान लीजिए हिंदू धर्म में उसका पर्व आता है, किसका, नवरात्रि का पर्व आता है, और जब नवरात्रि का पर्व आता है तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्ति बनाने में जो मूर्तिकार होते हैं वो लकड़ियों का भी प्रयोग करते हैं, और दुर्गा माता व अन्य जो देवी देवता होते हैं उनकी बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। जब मूर्तियां बनाते हैं तो स्टार्टिंग में उन मूर्तियों के ऊपर जो लेप किया जाता है वो मिट्टी का ही होता है, मिट्टी का ही क्या बनाया जाता है, सांचा ढांचा बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, पहले लकड़ी फिर मिट्टी का सांचा ढांचा बनाया जाएगा।
अब देखिए, जब मिट्टी का सांचा ढांचा बनाया जाएगा तो मिट्टी का सांचा ढांचा बनाने में किसी मशीन का प्रयोग आज भी नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इन हाथों की फिंगर्स का प्रयोग किया जाता है। तो प्राचीन काल में भी ऐसे ही मूर्ति को बनाया जाता था और इसे चिपकवा विधि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चिपकवा विधि के नाम से जाना जाता है। ये आपके यहां प्रश्न भी पूछा गया है यूपीएससी में, कला एवं संस्कृति से संबंधित है। और इसी हाथों की उंगलियों से यानी फिंगर से जब मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो उसे चिपकवा विधि, जैसे मिट्टी आपने अपने हाथों में लिया और उसको चिपकाना शुरू कर दिया है ना, उस लकड़ी में चिपकाना शुरू कर दिया या ऐसे ही प्लास्टर टाइप का करना शुरू कर दिया, तो इसी को चिपकवा विधि के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग भारतीय मूर्ति कला की बात करें तो मुख्यतः दो तीन बातें हमारे सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह आ रही है कि भारतीय कला एवं संस्कृति में जो मूर्ति कला है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी बात यह है कि मूर्तियां लगभग सभी धर्मों में बनी, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, है ना, चाहे आप लोग देखेंगे तो ईसाई हो उसमें भी मूर्तियां बनी, बुद्धिज्म में भी मूर्तियां बनी, जैनिज्म में भी मूर्तियां बनी। लेकिन ये जो मूर्ति बनने का क्रियाकलाप है हमारे इतिहास में या हमारी संस्कृति में या हमारे देश में, ये जरा सोचिए आप सभी लोग कि कब से शुरू हुआ होगा? क्या जब से हमारी सभ्यता और संस्कृति जन्मी तब से मूर्तियों का विकास हुआ? इसका मतलब तब से अगर नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि अचानक किसी काल में किसी राजा ने या राजा के दरबारी ने किसी ने मूर्ति बनाने की बात शुरू की हो, ऐसा कुछ सोचिए जरा आप सभी लोग। मैं सोचने के लिए आपको चाहता हूं कि आप लोग विवश हो, जब तक सोचेंगे नहीं देखो तब तक यूपीएससी थोड़ा सा मुश्किल है निकलना। लेकिन मान लीजिए कि आपने सोचना शुरू कर दिया किसी बिंदु पर, किसी मैटर पर, किसी स्टोरी पर, किसी कहानी पर, किसी फ्रेम पर, तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल होंगे ही, पक्का सफल होंगे। तो देखो सोचना है, क्या करना है? सोचना है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। तो सोचिए, मंथन कीजिए, ठीक। अब जरा सोचिए कि ये जो भारतीय मूर्ति कला की बात आती है और मूर्ति कला में किसकी बात आती है? मूर्ति के निर्माण की बात आती है। किसकी बात आती है? मूर्ति के निर्माण की बात आती है। तो मूर्ति के निर्माण की कहानी जो है इसकी शुरुआत कहां से होती है भाई? ये जो कहानी है इसकी शुरुआत कहां से होती है भारत में, कोई बता सकता है चैट के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से? हमें आखिर कब से पता चला कि जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति है, यह मूर्ति बनाना भी जानती है? क्या बनाना जाती है? मूर्ति बनाना यानी इमेज बनाना भी जानती है, यानी फोटो बनाना भी जानती है। तो इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है सबसे पहले वह पाषाण काल से मिलती है। कहां से मिलती है? वह पाषाण काल से मिलती है। पाषाण काल का मतलब किससे है? स्टोन एज से है। स्टोन एज के बारे में कहा जाता है कि इसको मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। इसको एक पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया, पूरा पाषाण काल के नाम से जाना गया, पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना गया, और एक इसको मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। आप सभी लोग इसको रटे होंगे लेकिन फिर भी समझिए। और इसी का एक भाग है, इसको हम लोग नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, यानी नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं, नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। तो अगर अब आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय मूर्ति कला का इतिहास कहां से प्रारंभ होता है तो क्या बताओगे? तो ये पाषाण काल को तो हमने तीन पार्टों में यहां पे डिवाइड कर दिया। तो आप लोग बताइए, सर ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल में ये जो पैलियोलिथिक एज आपके सामने आ रहा है, पैलियोलिथिक एज यानी पीए आपके सामने आ रहा है, यहीं से मूर्ति निर्माण का समय काल शुरू हो जाता है। और ये जो पूरा पाषाण काल है इसको भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, और इसका जो अंतिम भाग है उसको हम लोग उच्च पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं, उच्च पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसी उच्च पुरापाषाण काल से हमें भारत की सर्वप्रथम ये पहली मूर्ति मिली हुई है। क्या मिली हुई है? पहली मूर्ति मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि मूर्ति कला का इतिहास सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभ के साथ ही शुरू हो जाता है। इसका मतलब एक बात यह भी है कि प्राचीन भारत में जो मूर्तियां बनी पाषाण काल में उसको भी आपको पढ़ना है। पाषाण काल के बाद में जो आपका सैंधव सभ्यता का काल आता है उस काल में भी मूर्तियों का अध्ययन करना है।
वैदिक काल में जो इंद्र भगवान की मूर्तियां बनी और उल्लेख मिलता है कि कुछ गायों द्वारा उनको खरीदने का प्रयास किया गया, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म काल में जो मूर्तियां बनी उसको भी पढ़ेंगे। मौर्य काल में मूर्तियों का निर्माण व्यापक रूप से शुरू हुआ। मौर्य काल की मूर्तियों के निर्माण की क्या विशेषता है, क्या शैली है, क्या स्टाइल है, किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां बनी उसको पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल में तो हमारे यहां मूर्ति कला की 2-3 शैलियों का विस्तार हो जाता है या 2-3 शैलियों का उद्भव होता है और विकास भी हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा में मथुरा आर्ट स्टाइल का निर्माण हो जाता है मूर्ति कला के क्षेत्र में। जैसे भारत के पश्चिमोत्तर, उस समय के भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गंधार में, जो तक्षशिला जिसकी राजधानी, वहां पर गंधार आर्ट स्टाइल का विकास हो जाता है और अमरावती आर्ट स्टाइल का विकास हो जाता है। इन तीनों शैलियों में आपस में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं, कुछ विभिन्नताएं हैं, किसकी मूर्तियां बनी, क्या विशेषता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल की जो मूर्तियां हैं उसको भी पढ़ा जाएगा। यानी विस्तार से हम सभी लोगों को ये जो मूर्ति कला शैली है इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं किसके पास, पाषाण काल के पास। पाषाण काल मतलब स्टोन एज के पास। अब पाषाण काल में जो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल का एक भाग है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल से ही हमें सर्वप्रथम किसके बारे में जानकारी मिलती है, मूर्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। खूब चैट वगैरह करते रहिए आप सभी लोग, खूब चैट वगैरह की प्रॉपर छूट है, बहुत ही कम स्पीड है। और मान लीजिए कि स्पीड है अभी तो लगता है मैसेज डिलीट हो रहे हैं। खूब चैट कीजिए, प्यार से चैट कीजिए, कुछ प्रश्न उत्तर शैली में कीजिए, है ना। ठीक, इसकी हमारे क्लास में पूरी छूट है और जितना भी मन है उतना क्लास को आप सभी लोग क्या करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। क्या करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, सेशन को लाइक भी करते रहिए। और अगर कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे पिन में हमारा आपको नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप आपको करना है। कुछ अगर पूछना है तो थोड़ा सा उत्तर मिले उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है, ये पीडीएफ में जो पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा उसमें। तो टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे पिन है, ठीक है, ऊपर उसमें जाइएगा, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, यहाँ पे क्लास का लिंक भी आपको हमेशा मिलता रहेगा। और जो नए लोग शामिल हो रहे हैं वो चैनल को प्रॉपर सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि अब क्लासेस निरंतर इस पे मिलती रहेंगी। ये मामला जो शुरू हुआ है आप सभी लोगों के बीच में, देखो ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये एक संकल्प है जो हमने आपके साथ मिलजुल कर लिया है और आपको शिक्षित करने के लिए लिया है, आपको आगे बढ़ाने के लिए लिया है। तो संकल्प का मतलब क्या है, उद्देश्य है, और उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और आपका जो मंतव्य है और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो, उसमें एक छोटी सी भागीदारी हमारी भी हो। तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको खूब सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, तभी तो आपको अधिकतर लाभ यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आचार्य, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आचार्य काफी दिन के बाद यहाँ पे प्रकट हुए हैं। हाँ, मेंस के लिए भी है, प्री के लिए भी है, दोनों के लिए क्लास है। यूपीएससी मेंस के लिए भी है, यूपीएससी प्री के लिए भी है, पीसीएस के प्री के लिए भी है और आईएएस के प्री के लिए भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और मेंस के लिए भी है। इसीलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से आपको तो पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए जैसे आपसे प्रश्न पूछे मुख्य परीक्षा में कि भारतीय मूर्ति कला का इतिहास बताइए, एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या भारतीय मूर्ति कला के उद्भव और विकास को बताइए। तो उद्भव कैसे हुआ ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो उद्भव कहां से हुआ, पाषाण काल से हुआ, और विकास आगे के समय काल में जो हुआ वही तो आपको दिखाना है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मौर्य काल में मूर्ति निर्माण की क्या विशेषता है और यहां पर किन किन धर्मों से संबंधित मूर्तियां बनी, उदाहरण सहित उनको प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि गंधार आर्ट स्टाइल यानी गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली में क्या समानता और असमानता के बिंदु पाए जाते हैं, उदाहरण से प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन ही तो हो गया और मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे प्री के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं ये भी आज की क्लास में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि प्री में कैसे आपके यहाँ प्रश्न बने हुए हैं यूपीएससी में, स्टेट कमीशन में। ठीक, उसकी चिंता मत कीजिए आप सभी लोग, उसकी चिंता क्या करना है, हाँ रेगुलर ही क्लास रहेगी, रेगुलर ही क्लास रहेगी, है ना।
जैसे कल क्लास हुई, आज है, कल भी क्लास होगी, ठीक? ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में क्लास होगी, ठीक? निश्चित रूप से। कभी कभी क्या होता था, हो जाता है कि कई शहरों की थोड़ा सा यात्रा फात्रा यात्रा वगैरह पे मामला हो जाता है, दो एक आध दो दिन उसमें लग गया, तो वो मामला हो जाता है भाई, ट्रेन में या फ्लाइट में कहीं भी व्यक्ति है तो वो कैसे पढ़ाएगा, है ना? क्योंकि यूट्यूब की क्लास है और स्मार्ट बोर्ड की क्लास है, तो अब लैपटॉप वाली पढ़ाई तो सब चली गई, अब यही पढ़ाई है। तो एक आध दो दिन के लिए माफी कीजिएगा, उसके बाद में निरंतर आप सभी लोगों के बीच में क्लास होती रहेगी, उसके लिए चिंता मत कीजिए। क्यों पामी शर्मा? ये देखिए, पामी शर्मा बड़ी दूर से आए हुए हैं चल के, है ना, और वो भी पैदल आते हैं क्लास में। वो भी कैसे आते हैं? पैदल आते हैं, मेरठ से दिल्ली पैदल आते हैं पढ़ने, जरा सोचिए आप सभी लोग। तो इसका मतलब भारत में मूर्ति निर्माण की जो कहानी है वह सभ्यता एवं संस्कृति के साथ ही शुरू होती है। भारत में पहली बार मूर्ति का जो उल्लेख मिलता है वो पाषाण काल में मिलता है, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल में मिलता है, और पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल में मिलता है, ठीक? एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अब आपको यहां पे यह समझना है कि अगर मूर्ति बनी तो निश्चित रूप से किसी ना किसी धातु की बनी होगी, है ना? क्या होगी? जब मूर्ति बनी तो निश्चित रूप से किसी ना किसी धातु की मूर्ति बनी होगी, तो निश्चित रूप से धातुओं का प्रयोग किया गया। अगर यहां पे हम लोग धातु की बात करें तो यहां पे पत्थर की मूर्तियां बनने लगी, पत्थर की मूर्तियां बनने लगी, यानी पाषाण की मूर्तियां बनने लगी। लेकिन हिंदी में जो शब्द आएगा आपके यहाँ क्वेश्चन में, वो पत्थर बिना आएगा ना पाषाण आएगा, तो क्या आएगा? प्रस्तर आएगा। तो प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पाषाण ही होता है, और पाषाण का मतलब ही अंग्रेजी में स्टोन होता है। यानी जो मूर्ति बनी वो किसकी बनी? वो पाषाण की बनी, यानी पत्थर की बनी। तो ऐसा थोड़ा नहीं कि केवल पत्थर की ही मूर्ति बनेगी, पत्थर के अलावा जो मूर्ति बनती है वह किसकी बनती है? वह मूर्ति जो बनती है वह मिट्टी की भी बनती है, यानी मृण मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। किसका निर्माण किया गया? मृण मूर्तियों का निर्माण भी आपके यहां किया गया। मृण मूर्तियों का तात्पर्य किससे है? मृण मूर्तियों का तात्पर्य मिट्टी की मूर्तियों से है। किससे है? मिट्टी की मूर्तियों से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और जरा देखिए, और किस धातु की मूर्ति बनी? तो यहां पे आप लोग पाएंगे हड्डी की मूर्तियां भी बनी। हड्डी का मतलब बोन्स की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, हड्डी की बात आती तो हड्डी की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। और हड्डी की मूर्तियों के अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो कांसे की मूर्तियों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। कांसे में आप सभी लोग जानते हैं कि दो धातु मिली होती है, एक का नाम है तांबा और एक का नाम है टिन। क्या नाम है? तांबा, और दूसरी का नाम है टिन। और ये जो कांसा है एक कैसी धातु है? ये एक मिश्रित धातु है। कैसी धातु है? मिश्रित धातु है। इसमें तांबे और टिन का प्रयोग किया गया था। अब बात आती है कि इन धातुओं में जो मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ प्रारंभ में, तो वो किस युग में शुरू हुआ? तो इन धातुओं में जो मूर्तियां बनने लगी थी, जो धातुओं मैंने आपको लिखी हुई है, यह हड़प्पा सभ्यता में बनने लगी थी। कहां बनने लगी थी? हड़प्पा सभ्यता में ये मूर्तियां बनने लगी थी। लेकिन अब हम लोग कुछ मूर्तियों के उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे हमने बताया कि पाषाण काल में ही मूर्तियों के बनने का मामला क्या हो गया था? शुरू हो गया था। और पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल में किस काल में? उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब उच्च पूरा पाषाण काल में जो मूर्ति मिली है वह कहां से मिली है? वह आपको बेलन नदी घाटी से मिली है। बेलन नदी घाटी से ये पहली मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये क्या मिली हुई है? पहली मूर्ति बेलन नदी घाटी से मिली हुई। और बेलन नदी घाटी का विकास कहां हुआ था? बेलन नदी घाटी का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में मुख्यतया इसका विकास कहां मिलता है? मिर्जापुर में मिलता है। मिर्जापुर के अलावा उस समय के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में भी इस नदी का विकास मिलता है। और प्रयागराज के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में इस नदी का क्या मिलता है? साक्ष मिलता है। बेलन नदी कौन सी नदी है? ये बेलन नदी है। मिर्जापुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ में यह नदी बहती है। तो इसी बेलन नदी घाटी से पहली बार हमें किसका साक्ष्य मिलता है? पहली बार एक मूर्ति का साक्ष्य मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस बेलन नदी घाटी से अब हमें क्या मिली? हमें एक मूर्ति मिली। तो आपके सामने यक्ष प्रश्न ये होगा
कि यह जो मूर्ति होगी निश्चित रूप से किसी ना किसी धातु की बनी होगी। किसकी बनी होगी तो वो कौन सी धातु होगी, और यह मूर्ति मान लीजिए बेलन नदी घाटी से मिली तो बेलन नदी घाटी में कहां से मिली, और यह जब मूर्ति मिली तो हो सकता है कि यह मूर्ति किसकी हो, यानी यह मूर्ति किसकी है। ये तीनों बातों को आपको क्या करना है, जान लेना है। तो ये जो मूर्ति मिली इसके बारे में दो तीन बातें आप लोग जानिए। जैसे धातु के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कह दीजिए कि यह मूर्ति हड्डी की है। कहां से मिली पर्टिकुलर वो क्षेत्र बताइए, तो पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वो लोहदा नाला का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, लोहदा नाला। ये क्षेत्र है, ये नाला नहीं है, ध्यान रखना। इस क्षेत्र का नाम ही बेलन नदी घाटी में, और ये प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, और इसका नाम ही लोहदा नाला है। ये रीजन है, ये क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये स्थान है ऐसा कहिए। ये नाला नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और किसकी मूर्ति ये मिली भाई, तो ये मातृ देवी की प्रतिमा मिली। ये किसकी प्रतिमा मिली, ये मातृ देवी की प्रतिमा मिली, मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली, तो लोहदा नाला से मिली। लोहदा नाला में किस काल से मिली, उच्चपुरा पाषाण काल से मिली। किसकी बनी हुई है, तो ये हड्डी की बनी हुई है। और यह प्रतिमा आज कहां संरक्षित है भाई, अगर बात आए कि यह प्रतिमा जो है वो कहां संरक्षित है, तो यह जो प्रतिमा है वो कौसाम्बी संग्रहालय में संरक्षित है। कहां संग्रहित है भाई ये प्रतिमा, तो यह कौसाम्बी संग्रहालय में आज भी संग्रहित है। कौसाम्बी संग्रहालय में, कौसाम्बी संग्रहालय में आज भी यह प्रतिमा क्या है, यह संरक्षित है। और कौसाम्बी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में है। यह हड्डी की प्रतिमा है, इसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब एक बात की तरफ मैं आप सभी लोगों को और ले चलता हूं। इमेज किसकी तरफ ले चलता हूं, इमेज की तरफ ले चलता हूं। इमेज का मतलब क्या होता है, फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है, प्रतिमा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी देवी देवता की मूर्ति आप लोग देखते हैं, तो क्या उससे आकर्षित होते हैं, क्या उससे प्रभावित होते हैं, क्या उससे आपको किसी प्रकार के सौंदर्य बोध का आभार, सौंदर्य बोध का आभास होता है, क्या उससे आपको खुशी मिलती है, अरे यार इसमें हेयर स्टाइल गजब बनी हुई है ना, अरे इसमें तो जो चेहरा है वो गजब बना हुआ है ना। और जैसे मान लो वो जो मूर्तियां हैं वो तो आध्यात्मिक हैं, किसी देवी या देवता की हैं। जरा सोचिए कि आपकी मान लीजिए मूर्ति बना दे कोई, जरा सोचिए आप सभी लोग कि मान लीजिए कि कोई आपकी मूर्ति बना दे, या हो सकता है कि आपकी एक इमेज बना दे, या आपकी एक पेंटिंग बना दे। जरा सोचिए आप सभी लोग, हेयर स्टाइल भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक ठाक हेयर स्टाइल भी हो, मतलब जो आपकी एक्चुअल है वह बन जाए हेयर स्टाइल, जैसी नाक है जैसा चिक्स है वैसा आपका बन जाए, जैसा चेहरे का आपका गठन है वैसा चेहरा बन जाए, उसी स्टाइल में चश्मा लगाते हो हमारी तरह तो चश्मे की स्टाइल भी बन जाए, हेयर कम हो तो कम हेयर वाली स्टाइल बन जाए, फिंगर यानी उंगलियां, अगर हाथ लंबा है भाई लंबाई ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वैसी उंगलियां आपकी बनेगी, अगर मोटे होंगे तो मोटी इमेज बनेगी, अगर पतले होंगे तो पतली इमेज आपकी बनेगी। जब उसे देखेंगे आप, जरा सोचो कि अगर कोई पेंटर आपकी पेंटिंग बनाता है और उसे आप देखेंगे और निश्चित रूप से देखेंगे, तो वो जरूर कुछ ये सोच के बनाएगा कि इस व्यक्ति की हम प्रतिमा बना रहे हैं, तो ये लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, नेचुरल बनाने का प्रयास करेंगे कि वो देखे तो उसे लगे कि एक्चुअली ये प्रतिमा हमारी बनाया है, ये इमेज बनाया है, ये पेंटिंग हमारी बनाया है, तो आपको लगेगा वाह बड़ी सुंदर इमेज बनाया है, बड़ी सुंदर इसने क्या किया है, पेंटिंग किया है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा है आपकी यूपीएससी में, क्या मूर्ति कला से हमें एक लाइन जोड़ा है उसमें, क्या मूर्ति कला से हमें सौंदर्य बोध का आभास होता है, तो हुआ कि नहीं आभास। जरा सोचिए आप सभी लोग कि मान लीजिए कि आपकी पेंटिंग बनी और पेंटिंग सही सलामत बनी, ठीक ठाक पेंटिंग बनी, और वास्तव में आप स्टाइलिश हैं और उसी स्टाइल में आपकी पेंटिंग बनी, जरा सोचिए कि निश्चित रूप से आपको अपनी ही पेंटिंग के प्रति सौंदर्य बोध का आभास होगा। तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है।
और हर क्षेत्र में ऐसा आपको मिलेगा। ठीक, तो एक बात यहां पे आप लोगों ने यह जानी, और यह प्रतिमा किसकी है? यह मात्र देवी की प्रतिमा है, लोधा नाला से मिली हुई है, हड्डी की बनी हुई है, और यह तथ्य के रूप में आपकी यूपीएससी में दे सकता है और कह सकता है कि जो मात्र देवी की प्रतिमा है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों के बारे में सोचिए, विचारिए और बताइए कि कौन सही है कौन गलत। तो ये हमने आपको क्या बता दिया, यह हमने आपको दो तीन तथ्य बता दिया। क्या बता दिया? दो तीन तथ्य बता दिया। और अस्थि का मतलब क्या होता है? अस्थि का मतलब ही हड्डी होता है, अस्थि भी यहां पे लिखा हुआ आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या लिखा आ सकता है? अस्थि भी यहां पे लिखा हुआ आ सकता है। अब हम लोग किसके पास पहुंचते हैं? अब देखो, पाषाण काल से और कहीं पर किसी भी क्षेत्र से किसी भी मूर्ति का हमें साक्ष्य न मिलता है, और जब साक्ष्य न मिलता है भैया तो इतिहास भी नहीं मिलता है ना। तो पाषाण काल में केवल एक ही आपको साक्ष्य मिलता है मूर्तिकला का, वो मात्र देवी की प्रतिमा का है बस। और कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पढ़िए, खोजते रहिए फालतू में। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम लोग कहां पहुंचते हैं? अब हम लोग पहुंचते हैं सैंधव सभ्यता में। कहां पहुंचते हैं? सैंधव सभ्यता में पहुंचते हैं। सैंधव सभ्यता, ये जो सैंधव सभ्यता है, अब सैंधव सभ्यता के बारे में हमें यह देखना है कि इस सैंधव सभ्यता में किन किन धातुओं की मूर्तियां बनी, पहली बात तो यह आपको देखना है। और ये जो मूर्तियां बनी इनका साक्ष्य कहां कहां से मिला हुआ है, साक्ष्य कहां कहां से मिला हुआ है, और कौन कौन सी मूर्तियां आपके सामने, कौन कौन सी मूर्तियां आपके सामने हैं, यह भी आपको क्या करना है, यहां पर पढ़ना है। तो अगर हम लोग धातु की बात करें तो ये जो सैंधव सभ्यता का समय काल है या हड़प्पा सभ्यता का समय काल है, या आप कहिए कि हड़प्पा सभ्यता का तो कई नाम मिलता है भारतीय इतिहास में, ठीक, तो यहां पर किन किन धातुओं की मूर्तियां बनी, तो यहां पर मृण मूर्ति का भी निर्माण हुआ। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति भी यहां पे बनी। यहां के बारे में यह कहा जाता है कि मूर्तियों के निर्माण में प्रस्तर का भी प्रयोग किया गया। प्रस्तर का प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह है कि पाषाण का भी प्रयोग किया गया और अन्य धातुओं की भी मूर्तियां बनी। क्या बनी? अन्य धातुओं की भी मूर्तियां बनी, जैसे कांसे की मूर्तियां बड़े पैमाने पर इस काल में बनी। ठीक, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो सैंधव सभ्यता का समय काल है, सैंधव सभ्यता में कई धातुओं की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब मृण मूर्तियों का निर्माण किया गया, प्रस्तर की मूर्तियों का निर्माण किया गया और कांसे की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। कांसे की मूर्तियों का भी क्या किया गया? निर्माण किया गया। और मूर्ति के निर्माण में आप सभी लोग जानते हैं कि इस काल में टेराकोटा का भी प्रयोग किया गया। टेराकोटा के बारे में हम लोग जानेंगे। टेराकोटा का विधि का भी प्रयोग किया गया, और टेराकोटा विधि के अलावा इसी को चिपकवा विधि के नाम से भी जानते हैं। चिपकवा विधि के नाम से भी जानते हैं, और कुछ मत समझिएगा आप लोग, है ना, चिपकवा विधि के नाम से इसी को जानते हैं। अभी आपको बताते हैं कैसे इसको जानते हैं। ठीक, ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं और उनका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, कौन कौन सी मूर्तियां मिली हुई हैं और उनका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है। तो एक मूर्ति आपके सामने है, और इस मूर्ति का नाम क्या है? इस मूर्ति का नाम है नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति, क्या नाम है? नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है कहां से? सैंधव सभ्यता से। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है सैंधव सभ्यता से। अब खास बात आती है कि यह जो नर्तकी की मूर्ति है, इसका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो साक्ष्य कहां से मिला हुआ है भाई इसका? तो इसका साक्ष्य मोहन जोदड़ो से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? मोहन जोदड़ो से इसका क्या मिला हुआ है? साक्ष्य मिला हुआ है। अब ये जो मोहन जोदड़ो है, आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंध नदी के किनारे स्थित है, तो उसके गर्त में मैं नहीं जाना चाह रहा है ना, बस केवल आपको ये जानना है कि कहां से मिली है। तो यह मोहन जोदड़ो से इस मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है। अब बात आती है कि इस मूर्ति की खोज कब की गई है ना, कब इसकी खोज की गई? तो इसकी खोज 1926 में की गई।
यानी 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के लगभग अंत में इसकी खोज की गई, यानी 1926 में इसकी खोज की गई। अब ये जो मूर्ति है, नर्तकी की जो मूर्ति है, अगर इसके बारे में अनुमान लगाया जाए तो ये किस समय काल की है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका समय काल क्या है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि ये 2500 बीसी की यह मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। और 2500 बीसी में ऐसा माना गया कि सिंधु सभ्यता की शुरुआत हुई थी, ये सबसे प्रमुख तिथि है सिंधु सभ्यता की। तो इस मूर्ति का जो निर्माण कार्य किया गया वो 2500 बीसी के आसपास में किया गया, 2500 बीसी के आसपास में किया गया। अब ये जो मूर्ति है ये वर्तमान में आपको कहां मिलेगी, जैसे 1926 में इसको खोजा गया ना, ऐसा तो नहीं है कि 2500 बीसी में ही इसको खोज लिया गया, तब तो निश्चित रूप से भाई ये नहीं आज रखी होती। लेकिन अब इसका संग्रह कहां किया गया है, यह कहां रखी है यह मूर्ति, तो क्या बताओगे आप सभी लोग, यह मूर्ति आपको नई दिल्ली में मिलेगी। और नई दिल्ली में कहां रखी गई है, तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। कहां रखी गई है, यह नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी गई है, ध्यान रखना आप सभी लोग। कौन सी प्रतिमा, यह डांसर की प्रतिमा, यह नर्तकी की प्रतिमा। अब एक बात और आपको जानना है कि आखिर यह जो नर्तकी की प्रतिमा है इसके निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया, तो कोई बता सकता है आप सभी लोगों में से, किस धातु की यह प्रतिमा बनी हुई है भाई, तो यह कांसे की प्रतिमा बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, यह कांसे की प्रतिमा बनी हुई है। और कांसा का मतलब क्या है, कांसा एक मृत्सिद्ध धातु है। इसमें हमने आपको पहले ही बताया कि तांबा भी मिला हुआ है और टिन भी मिला हुआ है, यानी तांबा और टिन से या तांबा और टिन को मिलाकर ये जो सैंधव वासी हैं, सैंधव पीपल्स हैं, इन्होंने ही क्या किया था, एक नवीन धातु बनाया था जिसका नाम था ब्रॉन्ज, यानी कांसा। और कांसा को बनाया किसने, यानी कांसा नामक धातु को पूरे विश्व को दिया किसने, सैंधव वासियों ने दिया। तो कांसा नामक धातु में ही ये मूर्ति बनी हुई है, नर्तकी की मूर्ति है, डांसर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है भाई, नर्तकी की यह मूर्ति है। हाँ पंकज सही लिख रहे हो, पंकज प्रजापति अपेक्षा श्रीवास्तव, ठीक, नारायण वर्मा, ठीक है, रहिए नारायण वर्मा। तो यहां पे देखो तीन चार बातें आप लोगों के सामने हैं और इसी को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। किस कहां से साक्ष्य मिला, नर्तकी की मूर्ति का, मोहनजोदड़ो से। खोजा कब गया, 1926 में। समय काल क्या है, 2500 बीसी का। धातु क्या है, कांसा। रखी कहां है, नई दिल्ली संग्रहालय में। अब बात आती है कि हमें कैसे ये पता चलेगा इस मूर्ति के बारे में कि ये नर्तकी की मूर्ति है। तो इसको कई बार मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग डांसर हैं, क्यों, जैसे धर्मेंद्र वो दिखाई पड़ रहे हैं अयोध्या से, बहुत बड़े डांसर हैं नहीं, और भोजपुरी गाने पे कहते हैं हम डांस करते हैं सर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम, हाँ डेली क्लास होगी, क्या होगी, डेली क्लास होगी भाई, डेली क्लास होगी, डेली हम लोग पढ़ेंगे, पठन पाठन तो नियमित रूप से चलेगा ना, उसके लिए चिंता मत कीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों से भी करवाइए, आप सभी लोग का जो सामाजिक मामला है वो बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे मित्र लोग हैं आप लोगों के, ठीक। ठीक है, हाँ भाई, ये देखिए बहुत सारे लोग, लड़कियों में से बहुत सारे डांसर हैं, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो जो लड़का या लड़की डांसर होगा तो वो निश्चित रूप से डांस की अवस्था में आ जाएगा, या डांस की अवस्था या डांस करने लायक कुछ बेस वगैरह धारण किया होगा। जैसे लड़का होगा तो काला काला चश्मा लगाया होगा ना, गोरे गोरे मुखड़े पे, ऐसा कुछ गाना फिर वो चला देगा। लेकिन ये जो डांसर है, जो कांसे की नर्तकी है, इसको कैसे हम कहेंगे भाई, तो कहते हैं कि इसका जो हेयर है, यानी जो सर के बाल है, देखो डांस करने में क्या होता है, जैसे मान लो सर के बाल खुले तो वो क्या करेंगे, वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तो यहां पे इस नर्तकी की मैं बात कर रहा हूं, इस नर्तकी के जो सर के बाल हैं वो पीछे ऐसे समेट कर बांधे हुए, उसे क्या बोलते हैं भाई, आप लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, उसे सर के पीछे जो बांध दिया जाता है हेयर को इकट्ठा करके, तो उसे जूरा क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते होंगे ना, हाँ, तो उसको क्या किया गया है, उसको बांध दिया गया है, ये दिखाया गया है इस चित्र में।
और ये जो नर्तकी है ये अधो वस्त्र धारण की हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो नर्तकी है इसके बारे में कहा जाता है कि यहां से यहां तक पूरे हाथ में क्या धारण की हुई है, चूड़ी कंगन विविध प्रकार के धारण की हुई है। तो एक हाथ में ज्यादा है और एक हाथ में चूड़ी कंगन बिल्कुल कम है, एक ही कड़ा पहनी हुई है। और यहां पे गलों में मालाओं की हार डाली हुई है, कमर में करधनी पहनी हुई है और आगे क्या है भाई, और आगे यह है कि ये नृत्यरत अवस्था में है, अपना एक जो हाथ है इस स्टाइल में रखी हुई है, एक हाथ इस स्टाइल में, बस एक पैर आगे किया हुआ, एक पैर पीछे। देखो डांसिंग स्टाइल में आ गई नर्तकी की नहीं, आ गई। तो यही मूर्ति मिली हुई है कहां से, यही मूर्ति मोहन जोदड़ो से मिली हुई है। कहां से मिली हुई है, यही मूर्ति मोहन जोदड़ो से मिली हुई है। पीडीएफ के लिए मैसेज ऊपर देखेंगे आप सभी लोगों को, तो पिन है वहां पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ जब पढ़ा लेंगे तभी मिलेगा, जब पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे तभी ये पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आपको पीडीएफ ये इस तरीके का मिल जाएगा, इस तरीके का मिल जाएगा, तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो ये जो सैंधव काल हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सैंधव काल में क्या कोई और मूर्ति मिलती है क्या, तो सैंधव काल में एक और मूर्ति मिलती है और इस मूर्ति को हम लोग सन्यासी की मूर्ति के नाम से जानते हैं, सन्यासी की मूर्ति। और सन्यासी की मूर्ति को योगी की मूर्ति बोलते हैं, किसकी मूर्ति, योगी की मूर्ति बोलते हैं, योगी की मूर्ति बोलते हैं। ये भी सैंधव काल में आपको मिली हुई है, क्या मिली हुई है, ये भी मूर्ति आपको कहां से मिली हुई है, सैंधव काल से ही यह मूर्ति आपको मिली हुई है। अब सैंधव काल में यह मूर्ति कहां से मिली हुई है, यह मूर्ति कहां से मिली हुई है भाई, तो आप लोग कहिए सर यह मूर्ति मोहन जोदड़ो से मिली हुई है, मोहन जोदड़ो से यह भी मूर्ति मिली, सन्यासी की मूर्ति, योगी की मूर्ति आपको मिली हुई है। अब बात आती है कि यह किस धातु की बनी हुई है, तो इसके बारे में कहा गया है यह प्रस्तर की बनी हुई है, प्रस्तर का मतलब यह पत्थर की बनी हुई है, पत्थर का मतलब यह पाषाण की बनी हुई है। योगी की प्रतिमा के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, एक सन्यासी की मूर्ति के बारे में बात की जा रही है, एक योगी की प्रतिमा के बारे में बात की जा रही है, मूर्ति के बारे में बात की जा रही है। और यह जो योगी की प्रतिमा है, इसमें ऐसा माना गया कि जो सन्यासी है या योगी है ये किस स्वरूप में बैठा हुआ है, इसका स्वरूप क्या है, तो इसका स्वरूप है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, पद्मासन या योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, इसीलिए इसे योगी की प्रतिमा के नाम से भी जाना गया। किस मुद्रा में बैठा हुआ है, पद्मासन या योगासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, योग क्रिया में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो पतंजलि का योग है उसको बाबा रामदेव आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा ही माना जा रहा है। और पतंजलि, महर्षि पतंजलि के पहले जो योग संबंधी क्रियाकलाप है उसका साक्ष्य कहां से मिल रहा है, देखो मूर्ति के रूप में सैंधव काल से मिल रहा है, यानी जो योग की क्रिया है वो कितनी पुरानी है। आप लोगों ने देखा कि जो योग की क्रिया है वह बहुत ज्यादा पुरानी है, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। एक और मूर्ति सैंधव काल से मिलती है और सैंधव काल से यह जो मूर्ति मिलती है यह मातृ देवी की प्रतिमा के रूप में है, यहां भी मातृ देवी की प्रतिमा है, मातृ देवी की प्रतिमा के रूप में यहां पर भी मूर्ति एक मिलती है। अब यह जो मूर्ति मिलती है इसके बारे में कहा गया कि यह भी मोहन जोदड़ो से मिलती है, कहां से मिलती है, मोहन जोदड़ो से यह मातृ देवी की प्रतिमा सैंधव काल में मिलती है, ठीक। और इसका समय काल क्या है भाई, इसका समय काल अगर आप लोग देखेंगे तो 2500 बीसी इसका भी समय काल है मातृ देवी की प्रतिमा का। अब इस मूर्ति को बनाने में एक विधि का प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है, एक विधि का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, एक विधि का प्रयोग किया गया है, और इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, टेराकोटा के नाम से जानते हैं, टेराकोटा के नाम से जानते हैं। अब टेराकोटा क्या है इसको आप लोग देखिए, जैसे सैंधव काल में तो प्रॉपर लोगों को अग्नि का ज्ञान था, और अग्नि का ज्ञान ही नहीं था, अग्नि का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि सैंधव सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता थी,
यहां पे शहर ही शहर आपको दिखेंगे, गांव तो कहीं दिखेंगे ही नहीं। सड़कें बनी हुई हैं पक्के, नालियां बनी हुई हैं, प्रशासनिक भवन का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह का यहां से साक्ष्य मिलता है, लेबर क्वार्टर्स का साक्ष्य मिलता है, ग्रेनरीज का साक्ष्य मिलता है, यानी अन्नागारों का साक्ष्य मिलता है। कोई सामान्य सभ्यता नहीं है, यह एशिया की पहली विकसित सभ्यता है या पहली नगरीय सभ्यता है। तो इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता के जो लोग होंगे वो कितने कितने टेक्निकल रहे होंगे, जरा सोचिए आप सभी लोग, कितने सूझबूझ वाले व्यक्ति रहे होंगे, कितने समझदार रहे होंगे, और विभिन्न प्रकार की तकनीकें उनके पास थी। सड़कें इस तरीके से बनाते थे वो लोग कि अगर कोई भी छोटी भी सड़क किसी गली से होकर जा रही तो मुख्य सड़क से मिले। और आज कई बार हम किसी सड़क से चलते हैं तो पता चलता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं, बंद है, मतलब वो बंद गली है। और सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं था, ऐसा कोई बंद गली का साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब कितनी विकसित सभ्यता है, कितनी नगरीय सभ्यता है। तो यहां के लोग क्या करते थे, इनको अग्नि का ज्ञान था, अग्नि का ज्ञान था और अग्नि का प्रयोग भी ये लोग बड़े पैमाने पे करते थे, कोई सीमा ऐसी नहीं मिलती, बड़े पैमाने पे अग्नि का प्रयोग करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो मिट्टी होती है, क्या होती है, मिट्टी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के घरों में क्या लकड़ी पे भोजन बनता है, खाना बनता है या गैस पे ही बनता है? लकड़ी पे आता है, लकड़ी पे खाना बनाना, मिट्टी का चूल्हा होता है और लकड़ी से जला के हम लोग क्या करते हैं, कई बार भोजन को बनाते हैं, उसका टेस्ट बड़ा अजीब, बहुत ही अच्छा आता है। तो हो सकता है कि ऐसा हो। क्यों बोलो, चूल्हे पे खाना बनता है कि नहीं बनता? बनता है, सबके घरों में चूल्हा पे बनता है खाना, खाना यानी भोजन, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बनता ही होगा। या घर में होता है त्योहार पे लोग इकट्ठा होते, कहते आज चूल्हे पे खाना बनेगा, लिट्टी चोखा बनेगा, सब कई बार ऐसा होता होगा ना, मान लो कभी तो संयोग से ऐसा होता होगा, बनता होगा, ठीक। हाँ ये देखो लोग क्या कर रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं चूल्हे पे, है ना, तो खिचड़ी भी गजब होगी, वो सामान्य खिचड़ी नहीं होगी जो चूल्हे पे पकती होगी, वो सामान्य खिचड़ी नहीं है, वो चावल और दाल वाली। तो यहां पे देखिए, जब हम चूल्हे के आसपास में लकड़ी को जलाते हैं तो वो चूल्हा जो मिट्टी का होता है वो पक जाता है अपने आप में, और पक के वो कठोर बन जाता है, जरा सोचिए आप सभी लोग। और उसके आसपास का जो भाग होता है, जैसे जो आग है जब वो जलती है तो उसके प्रकाश से उसका जो रंग है वह आग के तरीके से ही हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उस मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है, और मिट्टी क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है और कठोर हो जाती है, इसी को टेराकोटा कहा जाता है। यानी जब सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी को आग में तपाकर मूर्ति का निर्माण करने लगे तो इसी को टेराकोटा कहा गया। क्या कोटा कहा गया, टेराकोटा इसी को कहा गया। और जब आग से तपाते थे तो उसमें अंगुलियों का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए इसी विधि को कई बार चिपकवा विधि के नाम से भी जाना गया। किस विधि के नाम से जाना गया, चिपकवा विधि के नाम से इसी को जाना गया, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कहां से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। 2500 BC की यह प्रतिमा है, किसने खोजा, कब खोजा, इसके बारे में कुछ अस्पष्ट रूप से पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि अचानक आप सिंधु सभ्यता के एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की यात्रा करते हो, ठीक, क्या करते हो, यात्रा करते हो, और अचानक आपको एक मातृ देवी की प्रतिमा मिल जाती है, आपको कुछ पता वता नहीं चलता, बस आपने उठा लिया, और आपके पीछे पीछे मान लो मैं पहुंच गया और मैंने कहा कि आप हाथ में क्या लिए हो भाई, तो आप कहते हो ये मूर्ति है, मैं उस मूर्ति की महत्ता को जानता हूं, तुरंत आपसे ले लिया जाइए, कोई बात नहीं, ठीक, इसको ले जाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि आप कब उसे प्राप्त किए और कहां से प्राप्त किए। अब थोड़ी देर बाद क्या करेंगे कि हम उसके बारे में, इसको हमने प्राप्त किया और ये इस धातु की मूर्ति है,
तो कई बार ईह वाला मामला रहता है, इसीलिए जो तिथियां होती हैं वो इतिहासकारों के बीच में भ्रमित कर देती है। तो सबकी तिथि नहीं मिलती, यानी स्रोत यानी जानकारी नहीं मिलती, तो परेशान मत होइएगा। तो ये क्या है, यह टेराकोटा है, यानी आग में तपाकर जब मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया गया तो इसे किस नाम से जाना गया, इसे टेराकोटा के नाम से जाना गया, टेराकोटा के नाम से जाना गया, ठीक, यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ मूर्तियां और भी हैं, कुछ मूर्तियां और हैं, जैसे सैंधव सभ्यता से वृषभ की मूर्ति मिलती है, वृषभ का मतलब बैल की मूर्ति मिलती है, बैल की मूर्ति मिलती है। और आपके यहां कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बैल की मूर्ति मिलती है वो किस धातु की बनी हुई है, तो आप लोग सीधे बता दीजिए कि ये कांसे की बनी हुई है, और यह जो मूर्ति है यह भी कहां से मिलती है, यह भी मोहन जोदड़ो से मिलती है, मोहन जोदड़ो से यह मूर्ति मिलती है। तो एक तथ्य के बारे में हमने आपको जानकारी दी, बैल यानी वृषभ की मूर्ति मिलती है, और बैल यानी वृषभ की मूर्ति क्यों मिलती है, क्योंकि सैंधव सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर किसकी पूजा करते हैं, किसको अपना मुख्य पशु के रूप में स्वीकार करते हैं, इसी बैल को, तो और बैल में कुबड़ वाला बैल, ठीक, इसीलिए इसकी मूर्ति मिली, किस धातु की, कांसे की, और कहां से मिली, मोहन जोदड़ो से मिली, ठीक। इसके अलावा एक रथ का साक्ष्य मिला हुआ है, किसका साक्ष्य मिला हुआ है, एक रथ का साक्ष्य मिला हुआ है, और यह जो रथ बना हुआ है यह किस धातु का बना हुआ है, यह तांबे का बना हुआ है, कापर का रथ बना हुआ है, यानी तांबे का रथ मिला हुआ है, और तांबे के रथ का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, दैमाबाद से मिला हुआ है, और दैमाबाद कहां है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र आप लोग जानते ही है कहां है, और ये प्रवरा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहां है, ये प्रवरा नदी के किनारे है। और एक नग्न पुरुष का धड़ मिला हुआ है, नग्न पुरुष का एक धड़ मिला हुआ है, पुरुष का धड़ मिला हुआ है, यानी आधी मूर्ति मिली हुई है, और यह जो मूर्ति है यह किसकी बनी हुई है, यह प्रस्तर यानी पाषाण की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, पाषाण की बनी हुई है, और यह मूर्ति कहां से मिली है, हड़प्पा से मिली है, और हड़प्पा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह रावी नदी के किनारे स्थित है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक। इसके अलावा एक मूर्ति और मिली हुई है, कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है, कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है, कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है, और ये जो कुत्ते की मूर्ति का साक्ष्य मिला हुआ है ये किस धातु की बनी है भाई, तो ये है तांबे की बनी हुई है, किस धातु की बनी हुई है, तांबे की बनी हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, इसका साक्ष्य लोथल से मिला हुआ है, और लोथल आप लोग जानते हैं कि कहां स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, कहां स्थित है, गुजरात में स्थित है, और गुजरात में ये जो लोथल है ये बंदरगाह लोथल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और भी एक गाड़ी का साक्ष्य मिला है, यहां से गाड़ी का मतलब एक रथ का और साक्ष्य मिला हुआ है, और यह जो रथ मिला हुआ है यह भी किसका मिला हुआ है, यह भी कांसे का मिला हुआ है, और ये चन्हू दड़ो से मिला हुआ है, चन्हू दड़ो से मिला हुआ है, और चन्हू दड़ो कहां पे स्थित है, चन्हू दड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे स्थित है। जितने दड़ो वाले मामले हैं या शब्द हैं ये सब आपको चन्हू दड़ो, जुदेर जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, ये सब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ही मिलेंगे। कहां मिलेंगे, सिंधु नदी के किनारे भी मिलेंगे। हाँ, एक बात ये भी है कि ये जो गाड़ी है ना ये पहिया युक्त गाड़ी है, क्या है, पहिया युक्त गाड़ी है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसमें पहिया है और पहिए में तीलियां भी हैं, ध्यान रखिएगा, और ये कांसे की है, ये सूची के रूप में, कूट के रूप में आपसे पूछ लेगा, ठीक, और बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका क्या कीजिएगा, इसका विशेष रूप से आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग इसको, एक बार अगर नोट करने का मूड हो तो मैं साइड से हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको नोट आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब एक बार दो क्वेश्चन जरा देखिए, यहां से देखते हैं कि आप लोग एक आध क्वेश्चन यहां से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये देखिए,
थोड़ा सा देखिए तो ये प्रश्न है आपके सामने, सिंधु मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। ध्यान से पढ़ना है सारे विकल्पों को और कौन से कथन सत्य है इसको बताना है। तो पढ़िए एक बार, देखिए तो जरा, पढ़ने में मन लगता है ना। निशांत, इसी महीने में बैच आपको मिल जाएगा। बताइए क्या हो सकता है इसमें आपका उत्तर। तो इसमें सी आपका राइट उत्तर है। ठीक, दो नंबर और चार नंबर की बात सही है। देखो दो नंबर की बात सही हो रही है। देखो पहले नंबर की बात यहां पे गलत कैसे हुई। सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी की तो होती ही थी, ये मूर्तियां मिट्टी एवं धातु की होती थी। धातु की होती थी, धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब जैसे कांसे की बनी होती थी। ठीक, ये मामला ठीक है। मतलब मिट्टी की भी बनी होती थी और कांसे की भी बनी होती थी। ठीक है, तांबे की भी बनी होती थी, यानी कई प्रकार की धातुओं की बनी होती थी। लेकिन क्या पत्थर की मूर्ति नहीं मिली क्या? अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि पत्थर की मूर्ति यानी पाषाण की मूर्ति ही बनी है। इसका मामला ये है ना कि पत्थर से, यानी पत्थर की मूर्तियां भी बनी है, यानी मिट्टी की भी बनी है और यहाँ पे विभिन्न धातुओं की भी बनी है और पत्थर की मूर्तियां भी बनी है। तो ये मामला क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी या टेराकोटा विधि प्रचलित थी। ये भी मामला सही है। तो ये दूसरा मामला आपका सही हो गया, पहला मामला आपका गलत था। ठीक, तीसरे पे आइए। सिंधु सभ्यता की स्त्री की मृण मूर्तियां, बड़े पैमाने पर स्त्रियों की मृण मूर्तियां मिली हैं सिंधु सभ्यता से। ये बात सही है। जैसे हमने अभी आपको मातृ देवी के बारे में बताया है ना, मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है, नर्तकी की प्रतिमा मिली हुई है, कई धातुओं की मिली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्रियों की मूर्ति सैंधव काल में बनी और सैंधव काल में मिट्टी की मूर्तियां बनी। इसीलिए कई बार इतिहासकार कहते हैं कि सैंधव सभ्यता की जो समाज था उसका मुखिया कौन था? उसका मुखिया महिलाएं थी, यानी मात्र प्रधान समाज था। और कथन और कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, श्रृंग युक्त दिखाया है मृण मूर्तियों को, क्या उसमें सींग है? क्या इस तरीके से सींग लगी हुई है क्या? जैसे कई बार आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, उसमें आप लोग अपना फोटो खींचते होंगे या बनाते होंगे, उसमें सींग लग जाती होगी, ऐसा है क्या? नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं है, है ना। तो ये मामला क्या हो गया? ये मामला आपका गलत हो गया। आगे देखिए, इसको सही कर लीजिए पहले। सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशुओं की मूर्तियां मिली हुई है। सही बात है, मानव से अधिक पशुओं की मूर्तियां मिली हुई हैं और पशुओं में सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिली हुई है वो किसकी मिली हुई है? वह अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बैल की आकृति की मूर्तियां मिली हुई है। और कौन सा जो बैल है? वो वही बैल है हमने आपको अभी थोड़ी देर बताया, जिसको हम लोग नंदी बैल के नाम से जानते हैं। अभी भी ग्रामीण अंचल में कई बार लोग दिखाई पड़ जाते होंगे, कई बार, अब तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो दिखाई पड़ते हैं। तो ब्रसा भैया बैल यानी पशु की मूर्तियां सैंधव काल में बड़े पैमाने पर मिली हुई हैं, ना कि मानव की। ये मामला आपका सही हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पे सही हो गया। एक क्वेश्चन ये देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है? ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं जो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। बताइए भाई, क्षत्रिय, धर्मेंद्र, विक्रम, अयोध्या वाले भैया, हाँ बाबू सींग होगी लेकिन मिली तो नहीं है, ये भी तो ध्यान रखना, जब मिल जाएगी तो बोल देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कांसे की जो नर्तकी यानी डांसर की मूर्ति मिली हुई है वो हड़प्पा से तो मिली नहीं है, कालीबंगा से भी नहीं मिली, धौलीधीरा से नहीं मिली, तो मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति मिली हुई है। ठीक, कहां से मूर्ति मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। इसमें देखिए, धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में किन धातुओं की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता था, यानी किन धातुओं में मूर्तियां बनती थी, जरा सोचिए गहराई से। तो अभी तो हमने आपको तांबा नामक धातु दिखा भी दिया था ना कि तांबे की मूर्ति बनी हुई, तो यह एक मामला सही हो गया। कांसे की मूर्ति के बारे में भी दिखाया तो कांसे की मूर्ति भी सही हो गई, लेकिन क्या लोहे की मूर्ति के बारे में बताया? तो नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि अभी लोहे का साक्ष्य मिलता ही नहीं,
लोहे का साक्ष्य तो 1000 के आसपास में मिलता है, 1000 बीसी के आसपास में एटा के अधिरंजी खेड़ा से मिलता है, और वही जो लोहा है वो विभाजन के रूप में आ जाता है, वैदिक युग में विभाजन के रूप में आता है। तो इसका उत्तर क्या सही हो गया? इसका उत्तर ए और बी विकल्प के रूप में सही हो गया, ठीक, यानी इसका उत्तर डी विकल्प के रूप में पूर्णतया आपका सही हो गया। किसके रूप में सही हो गया? पूर्णतया आपका डी विकल्प के रूप में यह उत्तर सही हो गया, ठीक। तो यहां पे सैंधव काल को आप लोगों ने पढ़ा, और सैंधव काल से प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका अध्ययन आप लोगों ने किया। क्या किया? उसका अध्ययन आप लोगों ने किया, और एक घंटे की ही लगभग लगभग रोज आप सभी लोगों के बीच में क्लास होगी, एक घंटे डेढ़ घंटे की क्लास होगी, ठीक, इतना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो सैंधव सभ्यता की मूर्ति कला को हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग ध्यान रखिएगा कि कल हम लोग चोल काल जो पढ़ना शुरू किए हैं उसकी क्लास कल होगी, और परसों आप सभी लोगों के बीच में इसी को हम लोग निरंतर करेंगे और रेगुलर क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, क्या होगी? रेगुलर क्लास आप सभी लोगों के बीच में होगी। तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए, और खूब जितना मन करे उस कमेंट को कीजिए कि कैसी आपको क्लास लगी, क्योंकि वहीं से थोड़ा बहुत शक्ति मुझे मिलती है। क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, और मेरा मन करता है फिर पढ़ाने का अच्छे से। तो खूब कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। अच्छा, नंद कुमार सुल्तानपुर से, हमारे जिले से हो, चलिए स्वागत है आपका भी। हाँ क्रांति, ओ नो, क्लास एंड हो गई बड़ी स्टाइल में। हाँ, क्लास धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तो आप समय से नहीं आए ना, ठीक। क्या कीजिए? समय से सभी लोग आइए, ठीक। तो धीरे धीरे निकलिए, भागम भागी मत कीजिएगा, है ना, भागम भागी मत कीजिएगा अपेक्षा। हाँ, आराम से निकलिएगा, प्यार से निकलिएगा सभी लोग, ठीक। अच्छा निशांत, ठीक है, समझ गया मैं आपको। आरती रावत, शुभ रात्रि आपको। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? इतना ही समझना था आज की क्लास में। पंकज, कमेंट में आप सभी लोगों को बोलना है, चैट में नहीं। अच्छा हिस्ट्री आपको पढ़ना है, मोना मिश्रा। हाँ मुझे नाम याद है आपका, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बताते हैं बाबू, इस महीने के लास्ट के पहले ही क्लास की शुरुआत हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, मैं आपको बाकायदा बताऊंगा, है ना, ठीक है, जो भी होगा वो बाकायदा बताऊंगा आपको, क्लास भी होगी, फिर आप वहां ज्वाइन कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा हमारी क्लास को, ठीक। व्हाट्सएप नंबर पे कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर पिन है उस पर अपना नाम लिखिए और अपनी बात को लिखिए, ठीक, बस। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं हम चैट में ही बोलेंगे, तो चैट में ही बोलिए, कोई हमें परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, जो आप लोगों का मन करे वही कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आचार्य, नहीं कोई और है वो। हाँ कल भी क्लास है जितेंद्र, कल भी क्लास है, ठीक। तो खूब कमेंट कीजिएगा, सभी को शुभ रात्रि, सभी को बाय बाय, बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अच्छे से भोजन कीजिएगा, आराम कीजिएगा, ठीक, निकलते हैं। निशांत, कोर्स जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा, जो भी कोर्स में होगा वो सब पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर सेटिस्फाइड होना फिर कोर्स को लेना, ठीक है, भागम भागी नहीं करना है। कोर्स जब लॉन्च होगा, कोर्स की जब डेट आएगी तो कम से कम 5-6 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, और इसी महीने में कोर्स की डेट आ जाएगी, ठीक है। ऐप पर कोर्सेज चलेगा ऑनलाइन, यूपीएससी प्री यूपीएससी मेंस दोनों का मामला रहेगा, ऑप्शनल इतिहास सब्जेक्ट का भी रहेगा, ठीक, कला एवं संस्कृति का भी मामला रहेगा। ओके फाइनली शुभ रात्रि, बाय बाय सभी को।